बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं किंग्स गार्डन फेज़ वन। ठीक है, अच्छा ये वन यूनिट बैंगलोर है, ग्राउंड प्लस वन। अच्छा इसकी साइजिंग के हिसाब से बताऊँ तो ये है ग्राउंड 120 स्क्वायर यार्ड का है और ग्राउंड प्लस वन बना हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे विलाज रेडी हैं। अच्छा इससे आगे मैं देखूं तो सामने वाली जो सोसाइटी है वो कैपिटल सोसाइटी है स्कीम 33 की, जो कि एक नामवर सोसाइटी है। ठीक है, और इसके बिल्कुल बराबर में मैं देखूं तो साइमा का विलाज है जिसे साइमा एलीट्स विलाज कहते हैं। ठीक है, साइमा एलीट्स विलाज भी पोजिशन की तरफ है जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। उसकी इन्वेंट्री भी मेरे पास कुछ डिस्काउंटेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वैसे तो अब सारी चीज़ें रीसेल के ऊपर है। सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट उसकी भी हो गई है, ऑलमोस्ट इसकी भी सोल्ड आउट हो गई है, मतलब इंस्टॉलमेंट पे कुछ भी नहीं है, जो है वो कैश के ऊपर है। ठीक है, अच्छा जैसे आप देख सकते हैं कि ये बिजली की पेंटिंग्स लगी हुई है, इट्स मीन के लाइट यहाँ पे आ चुकी है, गैस की एनओसी तो तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर हैं। ठीक है, सड़कें ऑलरेडी ये तामीर हुई हुई है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड प्लस वन की कैटेगरी है, किंग्स बिल्डर है इसका, और चीज़ नो डाउट बहुत अच्छा बनाया है और एक अच्छे प्राइस में है, जो फॉर द टाइम बिंग कराची के अंदर इस प्राइस के अंदर चीज़ें नहीं मिल रही हैं विलास की सूरत में। अपार्टमेंट तो शायद आपको मिल जाए, विलास में नहीं मिल रही हैं। अच्छा मैं अभी थोड़ा सा आपको एक मॉडल विलास की तरफ लेके चल रहा हूँ, आप देखें नो डाउट बहुत शानदार इन्होंने बनाया और सारे सबकी एलिवेशन एक ही जैसी है। अभी अगर आप देखें तो ये इसकी कारपोश एरिया, ठीक है, नो डॉट कारपोश एरिया भी बड़ा है। ठीक है, इसके साथ इन्होंने पानी की टंकी दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके ड्राइंग रूम की तरफ। अच्छा ड्राइंग रूम का एरिया देखें आप, बहुत अच्छा साइज़ है, 12x14 का इन्होंने ड्राइंग रूम दिया है। ठीक है, अगर आप ये देखें तो 12x14, अच्छा हाइट भी इसकी नॉर्मली सही है। ठीक है, और इन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं नो डाउट फोर सेलिंग के बाद ये एक नॉट बैड की बहुत प्यारी लगी की चीज़ें। ठीक है, मगर ये बिल्डर कंडीशन में है चीज़ें। ठीक है, मतलब वो जो सेमी फर्निश का मैंने बहुत सारी वीडियोस लगाई हुई है, वो सेमी फर्निश का ऑप्शन नहीं है। अब जस्ट इसके मैं अपोजिट हो जाता हूँ तो ये इसका टीवी लॉन्च का एरिया है जो यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है और ये हिस्सा तक जा रहा है। अब यहाँ नीचे आप जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ, यहाँ आप एक वुडन टाइप का कोई स्टोर बना सकते हैं, यूजुअली लोग इस काम में ले लेते हैं इसको, क्योंकि नॉर्मली विलास के अंदर स्टोर का ऑप्शन बहुत कम होता है, तो यहाँ पे लोग एक वुडन टाइप का बना के यहाँ पे स्टोर की सूरत में चीज़ें बना लेते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। अच्छा ऊपर 3 बेडरूम हैं, नीचे 1 बेडरूम है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें इसका ये फर्स्ट बेडरूम है। ठीक है, उसके साथ अटैच बाथरूम है। ठीक है, रूम आपका हवादार है, इसके दोनों तरफ से इन्होंने डक के साइड पे भी विंडो दी हुई है और यहाँ पे भी विंडो दी हुई है। ठीक है, ये इसका पहला बेडरूम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो वॉशिंग एरिया है, यूजुअली जो फैमिली सारी चीज़ों को जो लेडीज़ प्रायोरिटी देती हैं कि वॉशिंग एरिया यूजुअली विलास के अंदर बहुत या तो ना होते उनके बराबर होता है या बहुत छोटे से साइज़ के ऊपर होता है, तो इन्होंने वॉशिंग एरिया भी बड़ा साइज़ का दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा यहाँ से ओपन है, इसका फ़ायदा ये है कि ये मतलब वो जो डक का जो एक होता है कि हब्स वाला माहौल, वो चीज़ें नहीं होंगी। मैं ख़ुद भी यहाँ खड़ा हुआ हूँ और एक हवादार माहौल है। ठीक है, विलास का लोगों को प्रीफियर करने की वजह यही होती है कि अपार्टमेंट पे जो कंजस्टेड और चीज़ें होती हैं, लोग यही चाहते हैं कि अपना छत लें, अपना घर लें, और भले से वो सिंगल स्टोरी हो चाहे वो वन यूनिट हो, ठीक है, मगर वो घर हो ताकि इन फ्यूचर अगर उनके पास पैसे होते हैं, चीज़ें होती हैं आगे, तो वो सेकंड स्टेप लेके चीज़ों को और अप टू ग्रेड कर सकते हैं, बट अपार्टमेंट के अंदर चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा सेकंड मैं आप ऊपर आपको लेकर आया हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जो मैं ग्राउंड पर भी आपको दिखा रहा था। अब मैं आगे उसके फर्स्ट फ्लोर पर, ये इसका बेडरूम साइज़ फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया 3 बेडरूम है। ठीक है, ये फर्स्ट बेडरूम है इसका। अच्छा इसके साथ आप देखें तो एक तो अटैच बाथरूम है, दूसरी इन्होंने एक गली दी हुई है। ठीक है, मतलब टेरेस जिसे आप कह सकते हैं, आपको यहाँ का व्यू दिख रहा होगा। ठीक है, ये सामने जो देख रहे हैं वो रेलवे सोसाइटी है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, चीज़ें रोड और बारिश का जो मामला हुआ है इसकी वजह का चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बट वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सामने रेलवे सोसाइटी देख रही है, सामने व्यू और देख रहे हैं, बिल्कुल इसके सामने जो है वो साइमा एलीट है जिसकी मॉक्स आपको दिख रही है। अगर मैं थोड़ा सा आगे दिखाऊँ तो ये साइमा एलीट के कुछ विलास देख रहे हैं आपको। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो या रिहाइश के हिसाब से हो, दोनों के हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, अभी मैंने आपको फर्स्ट बेडरूम इसका दिखा दिया, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। ठीक है, ये मैं आ गया इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो आप देख सकते हैं। ठीक है,
अटैच बाथ, उसके साथ विंडो दी हुई है। वजह यह है कि कमरा आपका हवादार रहे, ठीक है। अच्छा, रूम का साइज़ ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। इसका 12x16 का साइज़ है, ठीक है, तो मतलब बड़ा बेडरूम है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर तीन बेडरूम ऊपर करने की वजह यही हुई कि नीचे का एरिया आपका वैसे कंजर्व हो जाता है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की वजह का, ठीक है। साइजिंग के हिसाब से चीज़ें ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने तीन बेडरूम ऊपर इसलिए रखा है ताकि आपको नीचे का हिस्सा जो है जो कवर हो जाता है कि आपका ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज किचन और ये चीज़ें स्पेस ले लेती हैं। तो इसलिए उन्होंने ऊपर का हिस्सा उन्होंने तीन बेडरूम आप खुले बेडरूम रखे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने विंडो रखी है, यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। साइमा एलिट्स प्लाज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसकी बाउंड्री वॉल ये दिख रही है साइमा एलिट्स प्लाज के साथ साथ, ठीक है। नो डाउट चीज़ें आगे जाके बहुत अच्छी होनी है, इसके भी साइमा एलिट्स के भी और भी दो तीन प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ के। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ लीगल प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसको मैं पहले ख़ुद स्टडी करता हूँ कि चीज़ें विजिबली तौर पे, लीगली तौर पे, डॉक्यूमेंट वाइज सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं हैं, ठीक है। जब तक मैं किसी प्रोजेक्ट के ख़ुद वेरिफिकेशन नहीं कर लेता, मैं ख़ुद इसकी स्टडी नहीं कर लेता, मैं एक वीडियो उसके ऊपर नहीं बनाता हूँ। अच्छा, तमाम व्यूवर से मेरी गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसकी वजह ये कि आगे मुझे स्कीम 33 पे कैपिटल और इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स की वीडियो भी अपलोड करनी है, जो कि वेरी सून मैं भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये आप गली देख लेंगे, इसकी गली टाइप की इन्होंने दी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये मैं अब आ गया हूँ छत के ऊपर, ठीक है। ओपन छत बिल्कुल, बाकी यहाँ पे टाइल्स लगा सकते हैं, आप चीज़ें बना सकते हैं, एक अच्छा लुक वाइज बन सकता है कि ग्रीनरी तौर पे आप जो आजकल फैंसी ग्रीनरी चल रही है वो आप लगा सकते हैं, पॉलिश होते एक्स वाई जेड, ठीक है। ये उन्होंने ऊपर टैंकी दी हुई है, ठीक है। एक छोटा सा इन्होंने वॉशरूम का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हिसाब देखना है खुला। अच्छा, अगेन मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर सिर्फ लीज प्रोजेक्ट की वीडियोस लगाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके मतलब डिज़ाइड है कोई वीडियो की चीज़ों की तो मुझे ज़रूर बताइएगा, शायद कमेंट्स करके, कि मैं उसकी भी वीडियो बना दूँ, ठीक है। मगर पहले मैं उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करूँगा, चीज़ें देखूँगा, अगर वो चीज़ें मुझे फिजिबल लगेगी कि हाँ ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से लीगली तौर पर डॉक्यूमेंट वाइज तमाम चीज़ें क्लियर हैं तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो ऐड करूँगा, ठीक है। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मतलब मुझे एक पॉजिटिव वेव मिलती है कि लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ताकि मैं फर्दर वीडियोज़ अपने अपलोड कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, चीज़ों के बारे में पहले मैं ख़ुद रीड करता हूँ, समझता हूँ, लीगल जितने डॉक्यूमेंटेशन है, वैसे तो एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 16 NOCs चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वो 16 NOCs तो डेफिनेटली हर बिल्डर ऑन द स्पॉट नहीं रखता, जैसे गैस के NOCs 30% आबादी होने के बाद होती है, ठीक है, मगर NOCs चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर जो लीगल है, जो सर्वे ज़मीन है, जो KDA से अप्रूव है, ठीक है, जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ली गई ज़मीन है, जो ऑथेंटिक ज़मीन है, मैं सिर्फ उसकी वीडियोस अपने पास ऐड करता हूँ, जिसकी पहले मैं ख़ुद वेरिफिकेशन लेता हूँ, जिसकी ख़ुद पहले इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, जिसकी ख़ुद मैं चीज़ें देखता हूँ, जब मुझे वो फिजिबल लगती है कि हाँ ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर इन दिस प्रोजेक्ट, सो मैं जाके उसकी वीडियोज़ बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। डेफिनेटली मैं इसके चार्जेस लाजमी लेता हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें ले रहा हूँ, तो 1% मैं मार्केटिंग फ़ीस अपनी लेता हूँ, ठीक है। मगर चीज़ मैं वही अपलोड करता हूँ, चीज़ मैं वही विज़िट कराता हूँ जिस पे मेरा ख़ुद का दिल मुतमईन हो, जो चीज़ें मुझे मुतमईन नहीं करती मैं उस चीज़ों पे काम नहीं करता, ठीक है। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो देखिएगा, मैं इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में मुझे जो अपना प्लान है कि तकरीबन 16 ऐसे प्रोजेक्ट है स्कीम 33 के, जिसको मैं वेरी सून अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग की अपोजिशन लाजमी चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज अगर होती है तो आप मुझे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट की सूरत में बता सकते हैं, मेरे पास जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।